टॉपिक के अंदर क्या है, क्रैक मीन में, क्रैक मीन में जो पेपर में सवाल आता है वो क्या आता है, वो इस तरह से आता है कि आपको कोई ना कोई एवरेज दिया जाता है। जैसे कि इस नंबर में, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड पर स्टूडेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन आर गिवन बिलो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 100 थे। इसका मतलब ये जो है 100, ये क्या है, एन है। ये जो 100 है ये क्या है, एन हो गया। फिर कहते हैं एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट 85। ये जो एवरेज दिया हुआ है इसका मतलब ही हमें क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है। एवरेज का मतलब क्या होता है, मीन होता है, ठीक है। सपोज द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वर रॉन्गली नोटेड एज 80 इंस्टेड ऑफ 70। इट्स मीन ये गलती से 80 एड हो गया, करना क्या था एड हमें 70। तो इसका मतलब एरर जो है वो क्या है, 80 एरर है या 70 एरर है, 80 एरर है। तो इसका मतलब ये हुआ इसमें जो एरर है वो क्या है, 80 एरर है। ये 80 एरर जो है वो कितने स्टूडेंट्स का, लिखा हुआ है सपोज द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 80 मार्क्स है ये गलती से क्या हुआ है, एक बच्चे का नंबर क्या हुआ, गलती से इनरोल्ड हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो आपका करेक्ट मीन का टॉपिक होता है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इसके अंदर आपका इंक्लूडेड का टॉपिक आता है, इसके अंदर आपका इंक्लूडेड का आता है, इसके अंदर आपका एक्सक्लूडेड का टॉपिक आता है, इसके अंदर आपका रिप्लेसमेंट का टॉपिक आता है, ठीक है ना। ये तीन टॉपिक्स हैं जो इसमें आपके पेपर में आते हैं। इंक्लूड का मतलब ये होता है कि आपसे कह दिया जाता है कि मतलब यहां तक का डेटा होगा, एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट कहेगा सपोज शामिल इंटर द क्लास या एडमिटेड टू द क्लास विद एवरेज मार्क्स ऑफ 70 या 80 या मार्क्स ऑफ 70 80। अगर मैं एवरेज कह दूंगा तो मीन हो जाएगा वो, ठीक है ना। देखो मार्क्स ऑफ 80, उसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर आ गया वो, इंक्लूडेड में आ गया। एक्सक्लूडेड का मतलब क्या होगा कि डेटा से कोई ना कोई वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। डेटा से कोई ना कोई वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो माइनस कैसे होगी कि आपसे कह देगा कि सपोज शामी लेफ्ट द क्लास विद मार्क्स ऑफ 80। इसका मतलब क्या हो गया, क्लास से वो मार्क्स लेफ्ट हो गया। इसका मतलब एक बच्चा जो है वो अपने मार्क्स के साथ क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, तो वो क्या हो गया, एक्सक्लूड हो गया उस ग्रुप से, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक की जगह पे दूसरा नंबर लिखना है, इसका मतलब टॉपिक क्या हो गया आपका, ये रिप्लेसमेंट का हो गया, ठीक है। आखिर में जरूरी नहीं कि आपको लिख के दे व्हाट वुड बी द करेक्ट मीन, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको ये टॉपिक लिख के दे, आपसे कह सकता है व्हाट वुड बी द एवरेज मार्क्स, ये भी कह सकता है व्हाट वुड द चेंज मीन, ये भी कह सकता है। तो आपके आखिर में जरूरी नहीं कि करेक्ट मीन की टर्म ही यूज करें, आपको खुद अंदाजा लगाना है कि टॉपिक जो है वो किसका है। अब हमने कहा ये इसको करने का जो पैटर्न है वो ये एक फिक्स पैटर्न है। क्या पैटर्न है, आप देखो स्टार्टिंग के अंदर जो है, अगर हम देखें स्टार्टिंग के अंदर कंडीशन में, तो मैंने कहा कि मीन इज इक्वल टू समीशन एच अपॉन एन। हमें ये फॉर्मूला हर टर्म में अप्लाई करना है, हर कंडीशन में अप्लाई करना, चाहे वो इंक्लूडेड हो, चाहे वो एक्सक्लूडेड हो, चाहे वो रिप्लेसमेंट हो। आपको अगर मीन दे दिया जाए, आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिया जाए, आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये स्टेप लिखेंगे मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन। यहां से हमें क्या मालूम था, हमें मीन मालूम था, कितना मालूम था, 80 मालूम था। हमने मीन की जगह पे क्या दिया, 85 रख दिया, 85 गिवन था क्वेश्चन के अंदर, ये 85 गिवन था, ठीक है ना। तो मीन की जगह पे क्या रख दिया हमने, 85 रख दिया। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने गिवन थे, 100, तो हमने इसकी जगह पे क्या रख दिया, 100 रख दिया। अब समीशन एक्स हमें नहीं पता, समीशन एक्स हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे कैसे भाई, 100 क्या डिवाइड था, जाइए क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो मल्टीप्लाई हो गया, हो गया 8500 आ गया। अब ये चीज जो है ना, ये चीज चाहे इंक्लूडेड का टॉपिक हो चाहे एक्सक्लूडेड का टॉपिक हो, ये चीज जो है वो आपको सब में ही कैलकुलेट करनी है। अब इंक्लूड कहेगा तो जो वैल्यू आपको ऐड करनी है वो इसमें क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है ना। एक्सक्लूड कहेगा तो आप इसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। रिप्लेसमेंट कहेगा तो आप इसमें से क्या कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे। जैसे यहाँ पे कहा हुआ, क्या कहा हुआ इसके अंदर, कि रॉन्गली इंटर्ड एज 70,
यानी 80 वैल्यू को आपने 70 वैल्यू को आपने गलती से क्या कर दिया, 80 रख दिया, तो उसका मतलब एरर क्या था, 80 था। एरर को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और सही वैल्यू क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इट्स मीन देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 8500 में से क्या किया मैंने, जो वैल्यू गलती थी, रॉन्गली एंटर्ड थी, क्या कर दिया उसको माइनस कर दिया, जो सही वैल्यू थी 70 उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो ये टोटल जो आंसर आया वो कितना आंसर आ गया आपके पास, आपके पास आ गया 8490, ठीक है। अब हर सवाल के अंदर ऐसे ही है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही है, समीकरण एक्स आ गया। अब इसके बाद जो मीन चेंज आएगा, जो मीन चेंज आएगा, आप क्या करोगे, यहाँ पे करेक्ट मीन की हेडिंग डालोगे, और फिर अगेन वही मीन का फॉर्मूला लिखा आपने, और फॉर्मूला लिखने के बाद इनकी जगह पे इनकी वैल्यू को प्लेस कर दिया। बिल्कुल, ये जो 100 था ना ऊपर वाला ना, इसकी बात करिए, बिल्कुल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए। अब यहाँ पे 100 क्यों आया, अब बात समझना, यहाँ पे समीशन एक्स जो है कितना आ गया आपका, 8490, तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, 8490 रख दिया। 100 टोटल स्टूडेंट कितने थे, 100 थे, उसमें से आपने एक माइनस किया और फिर वापस एक ऐड कर दिया, तो उसका मतलब वापस 100 होगा, ठीक है ना। अगर सिर्फ इंक्लूडेड का टॉपिक होता ये, कोई वैल्यू ऐड हो रही होती सिर्फ, तो टोटल ऑब्जर्वेशन जो भी होगी उसमें एक वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। सपोज अगर 100 वैल्यूज थी, अगर ये कहता कि आप जो है वो 70 वैल्यू को, 70 मार्क्स वाले बच्चे को क्या कर लो, ऐड कर लो, वन स्टूडेंट इंक्लूडेड इन डेटा विद अ मार्क्स ऑफ 70, उसका मतलब क्या हो गया, आप वैल्यू के अंदर क्या करो, एक स्टूडेंट को ऐड कर दोगे, तो फिर क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा। एक्सक्लूडेड कहेगा तो उसका मतलब क्या हो गया, आप 100 में से एक वैल्यू माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो फिर ये जो डिवाइड का 100 है ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने होंगे आप उसी से डिवाइड करोगे उसको। तो यहाँ पे फिर 8490 को 100 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 84.9, ठीक है। चलो कॉपी करें, चलो देखिए इसमें, इसमें कहा कि द मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 45, 15 ऑब्जर्वेशन यानी n की वैल्यू कितनी हो गई, 15 हो गई। कहते हैं 15 वैल्यू का जो मीन है वो कितना है, 45 है, इसका मतलब 45 जो हो गया वो क्या हो गया, मीन हो गया आपका, 45 से आपका क्या हो गया, मीन हो गया। अब इस कंडीशन को यूज करते हुए जो स्टार्टिंग में हमने मीन का फॉर्मूला अप्लाई करके n और मीन की जगह पे वैल्यू को प्लेस किया था, इसमें भी वही काम करना है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, आपने मीन का फॉर्मूला अप्लाई किया, समीशन एक्स अपॉन एन, समीशन एक्स अपॉन एन, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस फॉर्मूले में आप क्या कर दोगे, वैल्यू को प्लेस कर दो, मीन की जगह पे क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा, और एन की जगह पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसका मतलब मीन की जगह पे ऊपर एक्स है, नीचे एन है, समीशन एक्स अपॉन एन, मीन की जगह पे क्या आ गया, 45 आ गया। फिर समीशन एक्स तो अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, समीशन एक्स की तो वैल्यू नहीं पता, समीशन एक्स अपनी पोजीशन पे ही रहा। एन की जगह पे क्या आ जाएगा, कितनी ऑब्जर्वेशन है, 15 है। अब यहां से जरा कैलकुलेट करके मुझे बताओ समीशन एक्स कितना आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 675। इसका मतलब समीशन एक्स जो आया वो कितना आ गया आपके पास, 675 आ गया, 675। अब ऊपर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऊपर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, कहते हैं क्या, वन मोर ऑब्जर्वेशन इज एडेड एंड मीन बिकम 47.5। एक वैल्यू क्या हो रही है, एड हो रही है, इसका मतलब वो और जो है वो मीन जो है वो कितना आ गया, 47.5। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको ये बताया था एक बच्चा ऐड हो रहा है विद अ मार्क्स ऑफ सम नंबर, लेकिन उसका मीन आपको नहीं मालूम था। इसमें आपको कहते हैं कि यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन ऐड हो गई है, जबकि उसका मीन क्या बन गया, 47.5 हो गया, ठीक है।
अब इसके हिसाब से अगर मैं डेटा में देखूं, यही फॉर्मूला मीन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, मीन कितना आ गया 47.5, तो मीन की जगह पे क्या आ जाएगा 47.5 आ जाएगा, 47.5 आ जाएगा। समीशन एक्स ऐसे ही रहेगा, समीशन एक्स जो है वो ऐसे ही रहेगा। ये देखो यहाँ पे नहीं कहा हुआ कि जो स्टूडेंट ऐड हुआ है उसका मीन कितना है, मतलब उसकी वैल्यू क्या है, हमें वो नहीं पता। अब यहाँ पे क्या होगा 16, शाबाश, क्योंकि पहले ऑब्जर्वेशन कितनी थी 15 ऑब्जर्वेशन थी, अब एक वैल्यू क्या हो गई ऐड हो गई, और उसके बाद जो मीन बना वो कितना हो गया 47.5 हो गया, ठीक है ना। तो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन, जो वैल्यू आई है वो क्या है बताओ, जिसके आने की वजह से मीन इतना हो गया, उसके मार्क्स कितने थे, ठीक है ना। तो वो चीज हमसे पूछ रहा है, तो उसका मतलब हमसे समीशन एक्स मालूम करने के लिए कह रहा है, किस वैल्यू का, 16 वैल्यू का। पहले 15 वैल्यू थी हमारे पास, उसका समीशन एक्स कितना था 75 था, अब वैल्यू जो ऐड हो गई है आ गई है, उसके बाद मीन जो है वो बन गया कितना 47.5 बन गया। अब मुझे 16th वैल्यू का क्या मालूम करना है, समीशन एक्स मालूम करना है। अब 16th वैल्यू का कैसे मालूम करूंगा, हमें 16th वैल्यू का समीशन एक्स कितना निकला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना 760, 760 कितनी वैल्यू का था ये समीशन एक्स, कितनी वैल्यू का था 15 वैल्यू का था ये समीशन एक्स जो है वो कितनी वैल्यू का है 16 वैल्यू का है। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो वो 16th वैल्यू का समीशन एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। ये 16 का है और ये क्या है हमारा, ये 16 का है और ये हमारा क्या है, ये 15 का है। इनको हम माइनस करेंगे तो वो हमें वो मार्क्स पता लग जाएंगे जो उसने गेन किया। इसका मतलब आप क्या कर देंगे, आप यहाँ पे दोनों को क्या कर दो, हेडिंग डाल दो यहाँ पे किसकी, द वैल्यू ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन की, हेडिंग यहाँ पे आ जाएगी द वैल्यू ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। और उसके अंदर आप क्या कर देंगे, आप लिखेंगे समीशन एक्स इज इक्वल टू, और क्या लिखोगे भाई यहाँ पे आप 760, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो 760 माइनस क्या हो जाएगा 675, 675, 675। अब बताओ ये समीशन एक्स कितना आया, कितना 85। इसका मतलब उस बच्चे का जो मार्क्स था वो कितना था 85 था। तो ये आ गया आपका 16 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन था बनिस्बत पहले वाले के, इसमें इंक्लूड तो हुआ लेकिन इंक्लूड का मीन नहीं मांग रहा था, इंक्लूड की वैल्यू हमसे कैलकुलेट करने के लिए कह रहा था, बताओ उसकी वैल्यू क्या है।